तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से और एक नए वीडियो पे। गाइस, अमेज़न पर कंटिन्यू सेल तो चल ही रहा है, बट जो फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल खत्म हो चुका था, अब दूसरा तगड़ा वाला सेल भी आ चुका है जिसका नाम है बिग दशहरा सेल। जी हाँ दोस्तों, इस सेल में भी आपको फोन के ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो में अमेज़न और फ्लिपकार्ट के सेल में आने वाले टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, जिसे आप खरीद सकते हैं अभी के टाइम पे 15,000 के बजट में। इसमें इस बजट के हिसाब से अच्छा कैमरा मिलेगा, OIS का सपोर्ट मिलेगा, पावरफुल प्रोसेसर होगा, फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा, बड़ा रैम स्टोरेज भी होगा। तो फीचर्स इन सभी फोन्स में काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है, तो इन सभी फोन्स के बारे में डिटेल्स में बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न के सेल में एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, लिस्ट में पहला फोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G, या इसके जगह पे आप चाहे तो सैमसंग गैलेक्सी F34 5G को भी ले सकते हैं। दोनों फोन आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा, एक फोन आपको फ्लिपकार्ट के सेल में देखने को मिलेगा एंड दूसरा फोन आपको अमेज़न के सेल में देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि दोनों फोन आपको 15,000 तक में आराम से मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 15,000 के बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए या फिर सैमसंग की तरफ से आने वाला कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से ही। गाइस, इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसमें 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। डिस्प्ले को आप देख कर समझ ही सकते हैं कि डिस्प्ले इस फोन का काफी लाजवाब का है। थोड़ा सा बुरा मुझे इस चीज का लगा कि इस फोन का डिस्प्ले जो है ना, वो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, जो कि 15,000 के बजट के मैक्सिमम फोन में पंच होल डिस्प्ले है। बट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है डिस्प्ले पे, डिस्प्ले इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा, जिससे आपको कंटेंट वॉचिंग या फिर गेमिंग वगैरह में काफी मजा आएगा। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का एंड सेल्फी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा। और आप गाइस मैक्सिमम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। 15,000 के बजट के हिसाब से इस फोन का कैमरा जो है ना, काफी लाजवाब का मिलेगा। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा कैमरा वाला फोन भी चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए अच्छा हो सकता है। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें Exynos 1280 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और गाइस लगभग 4.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 25 वाट का चार्जर को। 6000 mAh का बैटरी मिल रहा है, नो डाउट आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.8mm का थिकनेस एंड 208 ग्राम इस फोन का वेट है। कह सकते हैं कि वेट और थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा है। भाई 6000 mAh का बैटरी लीजिएगा फोन में, वेट और थिकनेस तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही ना। खैर, डिजाइन वगैरह को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन One UI 5.1 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G अमेज़न के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में देखने को मिलेगा, जहां पे इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,500 रुपया है। और दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी F34 5G, जो कि आपको फ्लिपकार्ट के दशहरा सेल में देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 14,999 रुपया, यानी कि 15,000 रुपया है। तो आपको जो कंफर्टेबल हो उसे आप बाय कर सकते हैं, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो। फिर चलिए वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। गाइस, सेकंड नंबर पे जो फोन आता है वो फोन है Vivo T2 5G। अगर आपको अभी के टाइम पे 15,000 के आसपास में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए, जिसका कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ बढ़िया हो, तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। काफी अच्छा फोन है, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस फोन का डिस्प्ले से ही। गाइस, इसमें 6.38 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, जिसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी है। गाइस, ब्राइटनेस जो ना काफी ज्यादा है, अगर आप इस फोन को आउटडोर वगैरह में यूज करेंगे तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये स्मूथनेस मिल रहा है, तो नो डाउट ये चीज भी काफी लाजवाब का है। बट वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ये डिस्प्ले आ रहा है ना, तो यही चीज थोड़ा सा पुराना लगता है दिखने में। बाकी बात डिस्प्ले से आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाला है, डिस्प्ले काफी लाजवाब का मिलेगा। कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और गाइस सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा।
जाएगा और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा भी काफी बढ़िया मिलेगा, खास करके प्राइमरी कैमरा एंड सेल्फी कैमरा इस फोन का बढ़िया है। बट ध्यान रहे कि अल्ट्रा वाइड कैमरा वगैरह इसमें नहीं है। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। इस बजट के हिसाब से प्रोसेसर को खराब नहीं कह सकते हैं, प्रोसेसर काफी बढ़िया मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 4500mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 44 वाट का चार्जर को। ये एक बढ़िया चार्जर है इस बजट के हिसाब से एंड आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके दे देगा। गाइस इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 7.8mm का थिकनेस एंड 172g इस फोन का वेट है, यानी कि काफी पतला एंड लाइट वेट सा फोन है। और डिजाइन वगैरह को अपने हिसाब से देख लीजिएगा, डिजाइन वगैरह वैसे दिखने में खूबसूरत सा है। इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड लोड भी दिया गया है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फनटच ओएस 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस ये फोन जो है ना आपको फ्लिपकार्ट के दशहरा सेल में देखने को मिलेगा और वहां पे इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,500 रुपया है। तो 15,000 के आसपास में एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, आप चाहे तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। गाइस लिस्ट में तीसरा बेस्ट स्मार्टफोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला G54 5G। अगर आपको 15,000 के अंडर में ही एक अच्छा तगड़ा 5G स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। और गाइस इस बजट के हिसाब से कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ बढ़िया है इस फोन का और क्लीन UI के साथ आ रहा है तो और अच्छी बात है ये। फिर क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है चलिए देखते हैं। वैसे स्टार्ट करेंगे इस फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही, तो प्लास्टिक बॉडी के ही साथ ये फोन आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.89mm का थिकनेस एंड 192g इस फोन का वेट है। वेट और थिकनेस को एवरेज टाइप का कह सकते हैं और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में बढ़िया लगता है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का बढ़िया मिलेगा नो डाउट। इसके अलावा इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और गाइस ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। अब चलिए बात करते हैं इस फोन का कुछ मेन मेन फीचर्स का। गाइस इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस पंच होल LCD डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 560 nits का ब्राइटनेस भी है। डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा एंड स्मूथनेस, ब्राइटनेस वगैरह भी सब कुछ ठीक है। ब्राइटनेस को ज्यादा बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं बट ऐसा है कि इससे काम चल सकता है। खैर कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो की 8MP का है एंड गाइस सेल्फी कैमरा वो 16MP का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो कैमरा OIS के साथ आ रहा है तो नो डाउट ये अच्छी बात है और कैमरा भी इस बजट के हिसाब से सही मिलेगा। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Dimensity 7020 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड लगभग 4.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। इस बजट के हिसाब से प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी इस बजट के हिसाब से काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वो कर पाएंगे। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का फास्ट चार्जर को। गाइस इसमें 6000mAh का बैटरी मिल रहा है, नो डाउट आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा और 33W का चार्जर मिल रहा है तो चार्जर भी सही है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 12GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा भी सकते हैं। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस ये फोन आपको फ्लिपकार्ट के दशहरा सेल में देखने को मिलेगा, वहां पे इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,500 रुपया है। इस फोन का बेस वेरिएंट भी आता है RTX 28 जिसका प्राइस सेल के दौरान लगभग 13,500 के आसपास में है। अगर आपके पास कार्ड वगैरह नहीं भी है तो विदाउट बैंक ऑफर आपको 15,000 के आसपास में देखने को मिल जाएगा ये फोन। तो आप चाहे तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। गाइस लिस्ट में अब जो फोन आता है वो फोन है iQOO G7S 5G। जी हाँ दोस्तों ये फोन इस सेल के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपया में आराम से मिल जाएगा और इस बजट के हिसाब से कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ बढ़िया है। अगर आपको 15,000 के अंडर में एक अच्छा तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। खैर ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, क्या कुछ इस फोन में मिलेगा चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से ही। गाइस इसमें 6.38 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का
सैम्पलिंग रेट दिया गया है एंड 1300 नीट्स का पिक ब्राइटनेस भी है, तो स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह बढ़िया मिलेगा एंड इवन डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है इस फोन का। कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के भी बैक साइड दो ही कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है एंड गाइस सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा को खराब नहीं कह सकते हैं, इस बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा, खास करके प्राइमरी कैमरा एंड सेल्फी कैमरा इस फोन का बढ़िया है और कैमरा OIS के साथ आ रहा है तो और अच्छी बात है ये। खैर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा और लगभग 4 लाख प्लस अंतुतु स्कोर भी है। इसमें कोई शक नहीं है 15,000 के बजट के हिसाब से प्रोसेसर काफी पावरफुल है और इस बजट के हिसाब से स्कोर वगैरह भी सही है। खैर बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 4500mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 44W का चार्जर को और बताया जाता है कि लगभग 24 मिनट में 0 से 50% चार्ज करके दे देगा आपके फोन को, तो ये चीज इस बजट के हिसाब से सही है, चार्जर बढ़िया मिलेगा इस फोन का। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 7.8mm का थिकनेस एंड 172g इस फोन का वेट है, यानी कि काफी पतला एंड लाइट वेट सा फोन है और गाइस ये फोन डिजाइन वाइज दिखने में काफी खूबसूरत सा भी लगता है। फिर भी देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से डिजाइन वगैरह को, सबका अपना अपना चॉइस होता है। खैर इसके अलावा इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है, IP54 का रेटिंग है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फनटच 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो गाइस ये फोन जो है आपको अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में देखने को मिलेगा, वहां पे इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 14,999 रुपया है, यानी कि 15,000 रुपया है। गाइस 15,000 के बजट के हिसाब से एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, आप चाहे तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। लिस्ट में आखिरी बेस्ट स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 65G। गाइस ये फोन भी आपको 15,000 के आसपास में देखने को मिलेगा इस सेल में। ध्यान रहे कि ये फोन आपको फ्लिपकार्ट की सेल में नहीं बल्कि अमेजोन की सेल में देखने को मिलेगा। काफी तगड़ा फीचर के साथ ये फोन आता है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है इस फोन में चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस फोन का डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। इस फोन का बैक साइड जो है वो लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम मिलेगा। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है, 7.9mm का थिकनेस एंड 182g इस फोन का वेट है, यानी कि ये फोन जो है ना पतला एंड लाइट वेट सा फोन है और दिखने में भी काफी खूबसूरत सा लगता है ये फोन। इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी होगा। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन रियलमी UI 4.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। आइए फिर बात करते हैं इस फोन का कुछ मेन फीचर्स का। गाइस इसमें 6.43 इंच का फुल HD+ पंच होल सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो 15-16 हजार के बजट के हिसाब से डिस्प्ले काफी लाजवाब का मिलेगा एंड 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो ये खराब चीज नहीं है, डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। कैमरा की बात करेंगे तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 64MP का है, सेकेंड कैमरा 2MP का है जो कि डेप्थ सेंसर है और गाइस सेल्फी कैमरा वो 16MP का है, यानी कि 16MP का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 वाला एक अच्छा पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि 7nm के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है एंड लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। गाइस इस बजट के हिसाब से प्रोसेसर ठीक है एंड स्कोर भी काफी बढ़िया मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का फास्ट चार्जर को, लगभग आधा घंटा में 0 से 50% चार्ज करके दे देगा और लगभग 1 घंटा या फिर 1.25 घंटा में 100% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को। इस बजट के हिसाब से एक सही चार्जर है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो फिर आइए बात कर लेते हैं फाइनली इस फोन का प्राइस का, तो गाइस ये फोन आपको अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में देखने को मिलेगा और वहां पे इस फोन का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,500 रुपया है, बट अगर आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है तो ये फोन आपको मिलेगा 16,500 रुपया में। तो 15-16 हजार के बजट के हिसाब से एक अच्छा तगड़ा स्मार्टफोन है, आप चाहे तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं। और वैसे भी इस सेल में आने वाले 15,000 के बजट में मैंने 5 सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन को बता दिया है, अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।